व्हाट्सअप गेमर्स, तो कैसे हो आप लोग। इट्स मी क्रिशु एंड यू आर वॉचिंग क्रिशु गेमिंग। ये है माइनक्राफ्ट क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग सर्वाइवल सीरीज नंबर 13 और आज हम बनाने वाले हैं एक सुगर केन फार्म। जी हाँ गाइस, ये फार्म बहुत ही यूजफुल होता है और ये फॉर्म टोटली मैं फुल्ली ऑटोमेटिक बनाने वाला हूँ। बस जाके हमको, जैसे मैं वुल फॉर्म बनाया था सेम वैसे ही मैं बनाने वाला हूँ। बस जाके हमको कलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब जाके चेस्ट में से हमको शुगर कैन लेना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें मेरी सब की सब ऑटोमेटिक रहने वाली है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो साथ ही साथ यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली जो कि ऑलरेडी मैं यहाँ पर रख चुका हूँ और ये जगह भी डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं कहाँ पर बनाने वाला हूँ। ये जो जगह देख रहे हो तो जी गाइस, बिल्कुल मैं यहीं पर बनाने वाला हूँ और मुझे कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जो कि आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। पहला चेस्ट कुछ कॉबल स्टोन या फिर कोई भी ब्लॉक ले सकते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जर्वर सैंड्स रहेगा, फिर उसके बाद हॉपर रहेगा, फिर रेड स्टोन, फिर उसके बाद पिस्टन, फिर उसके बाद ग्लासेस वगैरह जो भी आप लेना चाहे डेकोरेशन के तौर पे। फिर उसके बाद टेम्प्रेरी ब्लॉक्स, फिर उसके बाद शुगर केन, 2 कप पानी रहेगा, मतलब दो क्या बोलते हैं उसको, बाल्टी या फिर कुछ बोल सकते हैं, पानी रहेगा और कुछ टेम्प्रेरी ब्लॉक्स रहेगा, डेकोरेशन ब्लॉक्स जो अपने हिसाब से आपको सिंपली रखना है जैसा आप सूटेबल समझे डेकोरेट वगैरह करने के लिए। तो बाकी सारी चीज़ें मैं, जितनी भी चीज़ें चाहिए सारी की सारी ये मैं यहाँ पर कलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ टेम्प्रेरी ब्लॉक्स ले लेता हूँ और यहाँ पर पिस्टन्स भी रख लेता हूँ। तो मेरा एक काम है सबसे पहले जो कि जो मैंने प्लेस बनाया वहाँ पर जाके इसको पूरा का पूरा ऐसे रख देना। ये देख सकते हैं कि ये जो एरिया रहेगा मेरा गेट का रहेगा और यहाँ से मैं शुरू करने वाला हूँ। लगभग लगभग 29-30 मेरा पॉइंट रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सैंड रख देता हूँ और सैंड मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि सैंड में जो शुगर होता है, शुगर केन होता है, वो बहुत जल्दी तेज़ी से उगता है। तो सैंड में इसलिए रखना पड़ता है, वो काफ़ी तेज़ में उगता है, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। तो ऐसे करने के बाद आप ये काम आपका फिनिश हो जाता है। फिर जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपका काम और इजी होता जाएगा, बिल्कुल झंझट नहीं इस चीज़ को बनाने में। फिर आपको बस सिंपल सी बात है, कोई भी आप जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज़ करना चाहे आपको सिंपली ये ब्लॉक्स ले जाकर पूरा एंड तक लगा देना है। तो ये मैंने ब्लॉक्स जैसे थे भी मैंने कॉबल स्टोन या फिर कोई भी ब्लॉक यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं और सिंपली आपको ऐसे लगा देना जैसे मैं लगाया हूँ। फिर अब बारी आती है कि पिस्टन रखने की। तो जो आपने कॉबल स्टोन लगाया तो गाइस बिल्कुल फेसिंग इधर सामने की तरफ करके आपको कॉबल स्टोन, अरे क्या बोलते हैं, पिस्टन आपको सिंपली पूरा पुशअप कर देना है। जितना बड़ा बनाना चाहे उतना लंबा तक आपको पिस्टन सिंपली से रख देना है। देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे मैंने सिंपली रख दिया सारी चीज जो मैं बताता हूँ, कुछ इस प्रकार से इसका लुक आ रहा है। फिर अब नेक्स्ट काम और बचता है, बस आपको सॉवेल लेना पड़ेगा। जी हाँ गाइस, एक सॉवेल ले लीजिए और सॉवेल लेने के बाद जो सैंड के बगल में जो जगह बच रही है, देख रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इसको क्या करना है, एक ब्लॉक डिग कर देना। जी हाँ गाइस, एक ब्लॉक डिग करके पूरा जहाँ तक आपका जो ये फार्म आप बना रहे हैं फार्म पूरा वहाँ तक आपको सिंपली लेके चला जाना है। तो यार यहाँ पे ये भी काम निपट जाता है, मैंने एक ब्लॉक डिग कर दिया। अब ये क्यों किया हो ये आपको आगे चल के पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सारा काम हमारा हो गया। बस एक चीज़ और, हमको ऑब्जर्वर लेना पड़ेगा। पहले भूख लगी कुछ खाना खा लेता हूँ। सिंपली आपको चेस्ट में जाना है, जहाँ भी आप ऑब्जर्वर रखना है आपको ऑब्जर्वर जो लेना है यहाँ पर ले लेना है, जैसे मैं ले लिया। फिर आपको क्या करना है, पीछे से लगाना, ठीक है, पीछे जाना है फार्म के अपने, जिसके बाद यहाँ पर खड़े होके आपको क्या करना है, ऐसे जो पिस्टन लगा है अपने पिस्टन के ऊपर ऑब्जर्वर लगाना है और याद रहे आपको जो ऑब्जर्वर लगा रहे उसकी जो रेड डॉट है वो पीछे की तरफ दिखे और जिसका फेस है वो आपके सामने की तरफ ऐसा शो हो, ठीक है। तो फटाफट इसको लगा के मैं मिलता हूँ। तो यार फाइनली मैं ऑब्जर्वर भी यहाँ पे लगा चुका हूँ, देख सकते कुछ इस प्रकार से ऑब्जर्वर यहाँ पे लग गया है। तो अब बात आती है कि अब आगे क्या करना है। तो सिंपली मैंने बोला था आप लोगों को कि इस ब्लॉक्स आपको, मतलब बाल्टी पानी लेना पड़ेगा, 2 बाल्टी, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे अनलिमिटेड सोर्स बनाना पड़ेगा पानी का। तो सिंपली आपको ले लेना है। फिर उसके बाद अनलिमिटेड सोर्स कैसे बनता है, तो आपको सिंपली पता है कि अनलिमिटेड सोर्स कैसे बनता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको गड्ढे करने हैं, 4 गड्ढे करने हैं, मैं भी यहाँ पे ऐसे ही कर देता हूँ। तो आपको कुछ इस तरीके से वाटर सोर्स बना लेना है जहाँ पे अनलिमिटेड वाटर यहाँ पे मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से काम यहाँ पे हो जाता है। तो यार अब आपको यहाँ पे अब दूसरा काम करना है, हॉपर लेना है और चेस्ट लेना है कुछ। यहाँ पे हॉपर और चेस्ट दोनों का काम आने वाला है। तो फिर मैं हॉपर ले लिया हूँ और फिर उसके बाद हॉपर से पहले आपको चेस्ट भी उठा लेना है, क्योंकि चेस्ट के बाद ही आप हॉपर का यूज़ करेंगे, अदरवाइज आपका कनेक्शन गड़बड़ा जाएगा। तो क्या करना है आपको, जहाँ से कलेक्ट करना है, जहाँ से भी आपको कलेक्ट करना है, जो भी आप मेन गेट बनाना चाहते हैं वहाँ पर आपको क्या वर्क करना पड़ेगा, एक ब्लॉक डिग करना पड़ेगा ऐसे जैसे मैं फिलहाल डिग यहाँ पर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद एक ब्लॉक और सिंपली डिग करना पड़ेगा यहाँ से, देख सकते हो। फिर यहाँ पर सिंपल से डिक कर देना। फिर क्या करना है, ऐसे आपको हॉपर नहीं लगाना जो फिलहाल अभी मैं लगा हुआ, तो इसको मैं तोड़ता हूँ। फिर आपको कुछ इस तरीके से घूमना है और आपको सिंपली चेस्ट लगाना है, जितने भी चेस्ट आप लगाना चाहें यहाँ पे आपके अनुसार आप चेस्ट लगा सकते हैं, तो जितना भी बड़ा आप बनाना चाहे। तो फिर मैं चेस्ट लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से, आपको सिंपली यहाँ पे चेस्ट ऐसे लगा देना जैसे मैं लगा रहा हूँ। 2 चेस्ट लगाए, 1 चेस्ट लगाए आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर हॉपर लेना है, फिर इधर क्राउच होना है, क्राउच होने के बाद दोनों हॉपर ऐसे लगा देना है चेस्ट से कनेक्ट करके, फिर एक हॉपर ऐसे कनेक्ट कर देना। फिर ये हॉपर ले जाकर पूरा एंड तक, यहाँ तक जैसे मैं
मैं लेके जा रहा हूँ, यहाँ तक ऐसे लगा देना, ऐसे जंप करना है, फिर अगर नहीं होगा तो हल्का सा ऐसे जंप करना है, क्राउच करके लगाएंगे तो एक दूसरे से ये हॉपर कनेक्ट रहेगा, ये काम यहाँ पे फिनिश हो जाता है। फिर वैसे ही सेम इस बगल से भी आपको कर लेना है, पहले रात हो रही है तो यहाँ पे सिंपली सो ले रहे हैं, और उसके बाद डायरेक्ट वो वाला भी जो साइड वाला था उसको भी करके आपसे मिलता हूँ। अगर मैंने सारे हॉपर्स को कनेक्ट कर दिया, बस आपको कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक लेना है, फिर डेकोरेशन वाला ब्लॉक लेना है, जो आपको अच्छा लगे, तो सिंपली यहाँ पे आना है, और मैं कॉबलस्टोन का यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी ब्लॉक यूज़ कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे ऐसे लगा के, और देख सकते हैं यहाँ से आपको क्या करना है, पूरा एंड तक जहाँ तक आपका मशीन बन रहा है, जहाँ तक फॉर्म बन रहा है, उसको लगा देना है, जैसे फिलहाल मैं लगा रहा हूँ। अब क्यों लगा रहा हूँ ये भी आपको अभी यहीं पर पता चलने वाला, और डिक क्यों किया हॉपर के लिए तो पता ही चल गया। सिंपली आपको क्या करना है, पूरा आगे तक जहाँ तक आपका फॉर्म है वहाँ तक आपको सिंपली कुछ इस तरीके से ब्लॉक्स यहाँ पर लगा देना। अब बारी आती है पानी डालने की, पर अनलिमिटेड सोर्स पानी का इसलिए मैं बनाया था क्योंकि यहाँ पे हर ब्लॉक पे आपको क्या करना है, एक एक बकेट फटाफट पानी डाल देना, जैसे मैं डाल रहा हूँ हर ब्लॉक पे डालना है, ठीक है। इससे एक अच्छा रहेगा, अगर सिंपल भी डालना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप एक एक ब्लॉक पे पानी डालेंगे तो आपका जो ग्रो होने का एक जो शुगर है वो ग्रो होगा बहुत तेज़ी से, क्योंकि ये सैंड भी है तो ग्रो बहुत ज़्यादा होगा। तो हर ब्लॉक पे फटाफट ऐसे आपको सिंपली पानी डाल देना, जैसे मैं डाल रहा हूँ, तो फटाफट ये पूरा काम फिनिश करके पानी डाल के आपको डायरेक्ट मिलता हूँ। तो यार सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने जितनी भी पानी मुझे डालना था वाटर बकेट पूरा का पूरा यहाँ पर लगा चुका, और ये काम बिल्कुल फिनिश हो चुका है। लगभग आपका मशीन आधा रेडी हो गया, जी हाँ गाइस कह सकते हैं 75% रेडी हो गया है। बस आपको अब सेकंड और काम करना है, कोई भी आपको बिल्डिंग ब्लॉक लेना है एज योर विश, जैसे आपकी इच्छा, या फिर डेकोरेशन ब्लॉक, कॉबल स्टोन कोई भी ले लीजिए, आपको सिंपली कनेक्शन देना, फिर आपको रेड स्टोन डर्ट भी लेना, फिर आपको सिंपली इधर जाना है पीछे की तरफ मशीन के, और जहाँ पे आपने पिस्टन लगाया देख सकते हैं पिस्टन के पीछे आपको क्या करना, पूरा का पूरा ब्लॉक से कवर कर देना, जैसे मैं फिलहाल यहाँ पे लगा रहा हूँ। यहाँ पे इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि क्या है कि आपको कनेक्शन देना पड़ेगा, कनेक्शन इसलिए देना पड़ेगा जब जो ईक होता है तीन ब्लॉक तक ऊंचा होता है, तीसरे ब्लॉक पे मैं ऑब्जर्वर लगाया हूँ, जैसे ही तीसरे ब्लॉक तक वो पहुँचेगा ऑब्जर्वर पिस्टन को क्या बोलते हैं ऑर्डर देगा, और पिस्टन तुरंत चल के जो हमारा क्या बोलते हैं शुगर है वो तोड़ देगा, तो इससे क्या होगा कि हमारा फटाफट फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना, पूरे के पूरे स्टोन पे आपको सिंपली क्या करना है, ऑब्जर्वर के पीछे जो जगह बनाई है यहाँ पे आपको सिंपली रेडस्टोन डस्ट का कनेक्शन कर देना है। तो यार सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं सारा का सारा कनेक्शन यहाँ पे कर चुका हूँ, करने के बाद ये काम तो फिनिश हो गया है। अब बारी आती है कि अब शुगर केन लगाने की, तो फटाफट मैंने भी शुगर केन ऑलरेडी मैं रखा हूँ, तो फटाफट शुगर केन लेता हूँ और इसको लगातार फटाफट लगा देता हूँ। तो क्या करना है, एक ही पॉइंट तक लगाना है ऐसे करके फटाफट। पहले यहाँ पे चेकआउट हम कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं मशीन, देख सकते हैं कि यहाँ पे लगाया और तुरंत बूम गाइस मशीन काम करना शुरू कर दे, ये देखिए ये बूम गाइस देख सकते हैं कितना गजब काम करने वाला, और जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है गाइस वो सारी की सारी पानी में जाएंगी। एक आग दो गड़बड़ा सकता है, यहाँ पे रह सकता है, लेकिन हमेशा नहीं, कि वो आपको अनलिमिटेड मिलने वाला है। तो फटाफट इसको क्या करना है, आगे तक आपको पूरा जितना भी बड़ा फार्म है पूरा आपको लगा देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पूरा यहाँ पे अब लगा दिया, बस अब क्या क्या करना है, इसको पूरा का पूरा कवर कर देना ताकि जो भी आपका ये शुगर कैन है टूटे वो बाहर ना जाए। तो यहाँ पे मैं देख सकता कि पूरा का पूरा यहाँ पे पहले इसको कवर कर देता हूँ। आप कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक्स ले लीजिए, डेकोरेशन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, एज यूज मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई इसमें जरूरत नहीं है, जो जो चीज़ें मैंने बताया है बस वो जरूरी है, बाकी जो बार बार बोलो बिल्डिंग ब्लॉक्स तो एज यूज आप किसी भी अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा यहाँ पे होने वाली है। यार साइड कवर करने के बाद आपको यहाँ पे ग्लास चाहिए, आप कोई और ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ग्लास यूज़ कर रहा हूँ ताकि फ्रंट से क्लियर दिखे और काफ़ी अच्छा लगे। तो क्या करना है आपको, जहाँ जहाँ आपने कॉबल स्टोन बाहर पे लगाया, जैसे देख सकते हैं जहाँ पे मैं शुरू करने वाला हूँ, यहाँ पे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कॉबल स्टोन साइड कॉबल स्टोन भर देना। मैं कॉबल स्टोन लगा रहा हूँ, आप कोई भी ब्लॉक लगा सकते हैं खाली डेकोरेशन के मद्देनजर रखते हुए। तो यहाँ पे मैं इसको पहले फिनिश कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं सीधा सीधा पूरा का पूरा ग्लास लगाने वाला हूँ ताकि इसकी लुक जो है काफ़ी अच्छा और जो इसकी पारदर्शिता बनी रहे और देखने में काफ़ी अच्छा लगे। तो आप भी कोई भी ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। तो यार यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सारे के सारे ब्लॉक जो भी मेरा डेकोरेशन वाला काम था आधा कर लिया, और बस कुछ और काम बाकी है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ग्रास लगाने के बाद, और ये जैसे बढ़ेगा तैसे क्या बोलते हैं तीन ब्लॉक तक जाएगा, वैसे ही ऑब्जर्वर पिस्टन को ऑर्डर देगा और पिस्टन इसको तोड़ देगा फटाक दे। तो कितना मस्त ये आप उम्मीद कर ही सकते हैं। तो यार यहाँ पे मैं जो बताया था कि मैं एक गेट बनाने वाला हूँ चेस्ट के पास से, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चेस्ट का गेट बना दिया है, जो मैंने यहाँ पे सैंड स्टोन का यूज़ किया है जो कि मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था। तो यहाँ पे आप सिंपली आपको गेट लेना है, जो भी गेट आप लगाना चाहे, तो मैं यहाँ पे आयरन के गेट लगा रहा हूँ क्योंकि आयरन की कोई कमी नहीं है, हमारा आयरन फार्म चालू हो गया बहुत मस्त चल रहा है। तो सिंपली यहाँ पे लगा देना और प्रेशर प्लेट लेना, और बूम गाइस कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे लगा देना, और इस साइड भी प्रेशर प्लेट लगा देना ताकि आप निकलेंगे और बाहर जाएंगे, बूम गाइस काफ़ी अच्छा जगह हो जाने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ऐसे गए और डायरेक्ट अंदर गए और बाहर गए, और कितना ज़बरदस्त यहाँ पे लग रहा है देख सकते हैं इसे। तो यार काम करते करते काफ़ी रात हो गई, और यहाँ पे मैं स्लैब्स का यूज़ कर रहा हूँ ऊपर इसको ढकने के लिए, एक अच्छा गुड लुक देने के लिए। तो फटाफट इसको करके डायरेक्ट आपको मिलता हूँ।
तो मैंने यार स्लैब से उसका छत बना दिया था, लेकिन अंदर जो है अंधेरा होने लग रहा था। तो मैं सोचा अंदर इसका एक जगह मैंने यहाँ पे बनाया हूँ, अंदर यहाँ पे जाके फटाफट सीधा का सीधा पूरा का लालटेन लगा देता हूँ, ताकि अंदर उजाला रहे और काफ़ी खूबसूरत लगे देखने में। तो यार यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैं ऐसे लालटेन लगाने वाला हूँ जो कि काफ़ी खूबसूरत लगेगा देखने में। पाँच पाँच ब्लॉक छोड़ छोड़ के मैं आगे यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। तो यार यहाँ पे फाइनली हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे मैं आपको सीन भी दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पे दो आ चुका है और कितना जबरदस्त लग रहा है, और मैंने सारा का सारा काम यहाँ पे फिनिश कर लिया। और सामने देख सकते हैं कि अंदर लालटेन भी लगा दिया और नीचे भी लालटेन लगा दिया, और रात को भी कितना गुड लुक लगने वाला है। तो ये हमारा काम तो फिनिश हो गया है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है। अगर चैनल पे नया तो सब्सक्राइब, ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।